आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह का बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि राजस्थान में कोई बाड़े बंदी नहीं है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि राजस्थान में बाड़े बंदी नहीं है, राजस्थान में कोई बाड़े बंदी नहीं, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को कौन रोक सकता है, ये भी उन्होंने कहा। और पर्यवेक्षक की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक होगी, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा मुख्यमंत्री के नाम। राजेंद्र राठौड़ ने भी कहा किसी भी विधायक की बाड़े बंदी नहीं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि बड़ा बयान दिया है बीजेपी प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने बाड़े बंदी को लेकर। उन्होंने कहा कि राजस्थान में बाड़े बंदी नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आखिर कौन रोक सकता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि पर्यवेक्षक की नियुक्ति के बाद विधायक दल की बैठक होगी और पार्लियामेंट्री बोर्ड मुख्यमंत्री का नाम तय करेगी। तब जाकर के सब बैठके होगी, उसके हिसाब से करेंगे। और अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड का जब निर्णय आएगा तो सभी कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे, हम सब लोग निर्णय आने दीजिए। मैं कहा ना, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करता है, माननीय प्रधानमंत्री जी जब तय करेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड तब तय करेगा, तो उसके बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होगी। अरे जब भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमारे पार्टी के नेता है, नेतृत्व कर रहे हैं, तो पार्टी के कार्यकर्ताओं को कोई बाड़े बंदी की जरूरत नहीं होती है। पार्टी के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ के समान समझते हैं, और उसी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय हो वो उनके लिए मंदिर के समान होता है। इसीलिए विचारधारा के आधार पर चलने वाली एक भारतीय जनता पार्टी है। जो पार्टी के नेता हो तो मिलते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। जो पार्टी के नेता से विधायक मिलते ही हैं, कार्यालय भी आते हैं, मिलते भी हैं, ये कोई नई बात थोड़ी है।